दे आर स्टिल एट होम, वो बाहर नहीं निकलेंगे, वो मर जाएंगे। थोड़े से हिस्से में से दूसरों को भी देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फलक भट्ट और इस टाइम मैं मौजूद हूं ज़ुबैर अहमद अंसारी के हाउस में, जो कि मरकज़ी चेयरमैन हैं अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट के और जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग ट्रेडर विंग्स पंजाब के। इन्होंने यहाँ पर लोगों गरीब आवाम के लिए राशन का ना सिर्फ इंतज़ाम किया बल्कि इफ्तारी का भी इंतज़ाम किया और इस दफ़ा इनका इंतज़ाम पहले से भी बरकरार है। पहले इनका पिछले साल इन्होंने 12,000 लोगों का इंतज़ाम किया जबकि इस साल इन्होंने 18,000 लोगों का इंतजाम किया है। किस तरह ये मैनेज करते हैं, किस तरह लोगों की इमदाद करते हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि ये जो सवाल है ना आपका, ये सवाल जो है ये इंसानियत के नाम पे मेरे ख्याल से पाकिस्तान में एक क्वेश्चन मार्क है। ये जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स टेक्नोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, हमारी अदलिया है और हमारी सबसे बढ़ के जुडिशरी, ये अपना इस्टेब्लिशमेंट, ये उनको सोचना चाहिए। हमने तो एक बीड़ा उठाया हुआ है, हमारे बाप ने जो हमें एक तरबियत दी हुई है वो हमने करनी है, लेकिन ये अब खुशी के साथ नहीं हम कर रहे हैं। उसकी रीज़निंग है, वो रीज़निंग ये है कि पहले तो हम कहते थे चलो यार थोड़े बहुत लोग हैं, अब इतने लोग हैं, इतने लोग हैं जो घरों से निकलते नहीं हैं। मसला पता क्या है बेटा, मसला ये है कि ये तो ठीक है जो भी हैं ये मांग लेते हैं, लेकिन कुरान कहता है कि तुम उन लोगों को चेहरों से पहचान लोगे, वो किसी का दामन पकड़ते नहीं हैं। जो डिज़र्विंग पीपल है ना, दे आर स्टिल एट होम, वो बाहर नहीं निकलेंगे, वो मर जाएंगे। तो अलमिया ये है कि एक दौर था हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में 8 अज़ला से ज़कात वापस आई थी। हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ लुटो ते फुटो, यहाँ पे जिसका दाव लगता है। और सबसे बड़ा ट्रेजिडी ये है कि किसी की मतलब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो काबू आयता है उसकी अकाउंटेबिलिटी है। कुछ लोग आसमान से उतरे हुए हैं, उनके बारे में आप उंगली भी उठा नहीं सकते। सबसे पहले तो बहुत अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हम लोगों को वसीला बनाया है कि हम किसी की मदद कर सकें। उसके अलावा मेरे ख्याल से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ने वसीला बनाया होता है लेकिन वो उस जो उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली होती है वो पूरा नहीं कर पाते। वो उनको बहुत कुछ अल्लाह ताला ने दिया होता है लेकिन वो दूसरों को दे नहीं पाते, वो उनका छोटा दिल की वजह से होता है। तो मेरे ख्याल से रमज़ान एक ऐसा महीना है कि सबको अपना दिल खोलना चाहिए, सबको अपने उस थोड़े से हिस्से में से दूसरों को भी देना चाहिए ताकि अपनी ऐश के साथ साथ वो दूसरों की जो ज़रूरत या ज़रूरियात हैं वो भी पूरी कर सकें। हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, पूरी बैठ के टोकन के तकसीम करते हैं, उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक सिस्टम है उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। आप देख लें कोई भगदड़ नहीं मचती है और बड़े लोग जो जिसको टोकन मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह वो राशन ले कर जाएगा और हम कोशिश करते हैं कि जो आए राशन ले कर जाए। हालात बहुत ख़राब हैं पाकिस्तान के, फाका है, भूख है, महंगाई आसमान पे है। अब एक किलो अदरक लेने जाओ तो आपको नहीं मिलेगा 800 रुपये किलो। हम कोशिश की है इस मरतबा एक नया हमने टच दिया है कि हम सब्ज़ी भी साथ दिए, तो कोशिश करें। अल्लाह से दोस्ती है, अल्लाह से तजारत है, अल्लाह में कबूल कर लेगा तो बस बेड़ा पार हो जाएगा। शायद ये काम करने से पाकिस्तान पे आए हुए अजाब और ख़तरा जो हैं वो टल जाएँ। हाउज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, हाउज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह ये अरसा है 35 साल से ये काम हो रहा है, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, क्योंकि हम वो कौम हैं जिसका नाम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा है। और हमारे चेयरमैन ज़ुबैर अहमद अंसारी साहब, अंसारी का मतलब ही है मददगार, किसी की मदद करना, इसको अंसारी कहते हैं। और ज़ुबैर अहमद अंसारी साहब करोना से लेकर अब तक अरसा 35 साल से अरसा दराज से ये काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी 18,000 लोगों के लिए राशन है ये, और उसमें सब्जियां हैं, दूसरा राशन है, तो ये अल्लाह जिसको अता कर दे। और ये देना बहुत मुश्किल काम है, ये हमारे चेयरमैन साहब जैसा बड़ा दिल मेरे ख्याल में लाहौर में किसी ताजर किसी बड़े का नहीं है। हत्ता के मैं कहता हूँ, दावत फ़िक्र देता हूँ, नवाज़ शरीफ, इमरान ख़ान, जरदारी सब अगर कुछ ना कुछ करें तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान से भूख और अफलास जो है वो ख़त्म हो सकती है। और हम कहेंगे कि ज़ुबैर अहमद अंसारी ने जो काम किया है कोई माई का लाल कर ही नहीं सकता, ना किसी ने किया है और ना कोई कर सकता है। अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और इनका साया में तादेर हमारे सिरों पर सलामत रहे।
जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम अलैकुम। जी नासरीन, मैं लास्ट में आपको यही मैसेज देना चाहूँगी कि खुदा रा अपने इर्द गिर्द के लोगों पर नज़र दराएँ, जो लोग इस काबिल नहीं हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जितना हो सके उनकी मदद करें। कैमरामैन शाहिद इकबाल के साथ फलक पैट, लाहौर 24 न्यूज़, लाहौर।